एक और वैकेंसी आ गई है, 8,000 से ज्यादा पद इसमें हैं और आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्या कैसे क्यों कब कब भरे जाएंगे, सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहली वैकेंसी जो की जो बात कर रहा हूं वो है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, ये एग्जाम लेने वाला है और इस वैकेंसी का नाम है RRB, रीजनल रूरल बैंक जो होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ये जॉब निकली है, जिसमें वैकेंसी पदों की संख्या है 8,000। शुरुआत करते हैं, तो फॉर्म इसके डालना चालू हो गए हैं 1 जुलाई से और ये जो डालेंगे 21 जुलाई तक ये फॉर्म डाले जाएंगे। ऑनलाइन ये फॉर्म आपको भरना है। अगर बात करें फीस की तो केवल जनरल की फीस होगी ₹850, बाकी SC ST OBC की फीस होगी मात्र ₹175। आगे बात कर लेते हैं इसमें किस तरह की है, तो मध्य प्रदेश की अगर आप मूल निवासी हैं तो 2 शहरों में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, एक तो सागर और दूसरा है इंदौर। क्लियर है। बाकी अगर आप हिंदी भाषी हैं तो अन्य राज्यों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट की तो 4 तरह की पोस्टों में इसमें वैकेंसी निकली है, Skill 1, Skill 2, Skill 3 और मल्टीपर्पज स्टाफ। क्लियर है। तो इस तरह से 4 वैकेंसी है। ग्रुप बी में मल्टीपर्पज स्टाफ को रखा गया, बाकी सारी वैकेंसी ग्रुप ए की है या स्केल 1 की है। बात करते हैं योग्यता की, तो स्केल 1 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। RRB रूरल बैंक में आप समझ रहे होंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग जो है वो ग्रामीण बैंक जो है वहां पे गांव के लोग आएंगे, तो आपको लोकल लैंग्वेज का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो स्किल 1 है उसमें ग्रेजुएशन के साथ लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर की योग्यता मंगाई गई है। इसके अलावा Skill 2, Skill 3 में एक्सपीरियंस है। मैं सारी स्लाइड को आप चलाते जा रहा हूं, आप देखते जाओ। Skill 2 और Skill 3 में एक्सपीरियंस है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मल्टीटास्क स्टाफ है या ऑफिसर असिस्टेंट है उसमें लोकल लैंग्वेज ग्रेजुएशन और कंप्यूटर मांगा गया है। तो इस तरह की वैकेंसी है, मैं आपको PDF भी लगातार चलाते जा रहा हूं, तो उस पर भी आप नजर बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं एज ग्रुप की, तो अगर आप बात करें ऑफिसर असिस्टेंट की तो इसमें मिनिमम आपकी एज होना चाहिए 18 और अधिकतम होना चाहिए 28, और ये डेट कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2020 को। क्लियर है। 1 जुलाई 2020 को आपकी एज या तो 18 हो जाए कम से कम या अधिकतम 28 से ज्यादा ना हो। स्केल 1 में यही एज आपको, ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूं, फिर ST OBC के लिए एज अलग से बता रहा हूं। स्केल 1 के लिए न्यूनतम उम्र है 18 साल, अधिकतम उम्र है 30 वर्ष। स्केल 2 में न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष, अधिकतम उम्र है 32 वर्ष। स्केल 3 में न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष, अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। अब बात कर लेते हैं ओबीसी, तो जितनी भी एज मैंने अधिकतम बताई है उसमें आप प्लस 3 कर लें, मतलब 28 में प्लस 3 कर लें तो 31 आ जाएगा, 30 में प्लस 3 कर लें तो 33 आ जाएगा, 32 में प्लस 3 कर लें तो 35 आ जाएगा और 40 में प्लस 3 कर लें तो 43 आ जाएगा। SC ST के लिए 5 साल का प्लस करना है, तो 28 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 33 अधिकतम एज हो जाएगी, न्यूनतम एज सबकी ज्योगी क्यों रहेगी। इसके बाद स्केल 1 में 35 साल हो जाएगी, स्केल 2 में 37 हो जाएगी और स्केल 3 में हो जाएगी 45 वर्ष। ये है एज लिमिट। बात करें अगर इसके एग्जाम डेट की, तो एग्जाम 2 एग्जाम होना है, प्री और फिर मेंस। तो प्री एग्जाम आपका होगा 24 से 29 जून के बीच। एक बात मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा, SSC भले ही अपना या RRB मतलब रेलवे जो होता है, RRB रेलवे भी कहलाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो भले ही अपना शेड्यूल ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन ध्यान रखना IBPS अपनी डेट पर पूरा अटेक रहता है, हमेशा डेट पर ही लेता है। तो प्री का जो एग्जाम है वो 24 से 29 अगस्त के बीच है। इसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाइड होते हैं तो फिर होता है आपका मेंस, और मेंस में जो है वो अक्टूबर लास्ट से शुरू होकर नवंबर तक चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, चूंकि प्री और मेंस है तो इसका सिलेबस भी होगा, तो सिलेबस देख लेते हैं किस तरह का सिलेबस आएगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्री में सबसे पहले आपका जब प्री होगा तो केवल 40 नंबर की मेंस और 40 नंबर की रीजनिंग आएगी, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको प्री में नहीं पूछा जाएगा। और इसमें समय मिलेगा आपको 45 मिनट का, तो 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने होंगे मैथ्स और रीजनिंग के। इसके बाद यदि आप प्री इन दोनों विषयों में निकाल लेते हैं तो इसके बाद आप हो जाते हैं क्वालिफाइड, आपको देने मिलेगा मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में आपको 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, देख लेते हैं, ध्यान से समझना जरा।
रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस इसको बोलते हैं 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, इसके बाद इंग्लिश और हिंदी। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप हिंदी ले सकते हैं, हिंदी कमजोर है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। तो एक रीजनिंग, दो, तीन, चार और पांच, मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश दो, करंट अफेयर तीन, कंप्यूटर चार और रीजनिंग पांच सब्जेक्ट आपका मेंस होगा। इसके बाद आपको जुलाई के आसपास आपको जो है मौका मिल जाएगा एक फॉर्मल इंटरव्यू के बाद। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जॉब काफी महत्वपूर्ण है, फिर भी यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हो आरआरबी को लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द ही आपको मैथ्स की क्लासे लाओ, क्योंकि आपने अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस की भी एक बंपर वैकेंसी लगभग 4,500 के करीब वैकेंसी आ रही है। तो जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी भी क्लास प्रदान करूं। आपके कोई भी कमेंट है तो नीचे बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो आप छायांश दीप पर देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें हर लोगों तक, क्योंकि ये है खुशखबर, सबको मिलनी चाहिए। नमस्कार।